Hello traders, welcome to Alice Blue. This is Dipen Gogoi. Today we are going to discuss about the pivot point, support and resistance, market trend and market range in Bank Nifty. Before we go to this video, please read this disclaimer. Okay, once you have done, we will start. तो आप देख सकते हैं ये बैंक निफ्टी डेली 4 आवर चार्ट और डेली पिवट पॉइंट है 25692. First resistance 25884 and the second resistance 26046 and the third resistance 238. First support 25529 and the second support 25337 and the third 25175. So आप देख सकते हैं ये बैंक निफ्टी और आज थोड़ा मैं ये वीकली चार्ट निकाल देता हूँ. तो वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं मैंने जो एक मार्केट का जो एक रेंज बनाया था आप देख सकते हैं वही रेंज पे ही है. एंड यहाँ पे आप जस्ट ए मिनट, तो यहाँ पे एक रेंज देख सकते हैं यहाँ पे जस्ट ए मिनट या तो एक हमें यहाँ पे क्या मिला एक सपोर्टिंग रेंज. तो यहाँ से थोड़ा मार्केट अभी एक रेंज छोटा और इसमें एक रेंज में अभी मार्केट रन हो रहा है. यहाँ पे स्टोरस्टिक ने इसको क्रॉसओवर दिया तो हमें एक बाय मिला था यहाँ पे और सीसीए अभी तक कंफर्म नहीं किया. जब तक जीरो लेवल कंफर्म नहीं करेंगे तब तक हम तो बाय और ज़्यादा नहीं ले सकता. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें एक रेंज मिला. तो रेंज मैंने एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे. तो आप देख सकते हैं एक रेंज मिला कहाँ पे, ये 50 मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस बना के रखा हुआ है यहाँ पे. तो इसको ब्रेकआउट करेगा तो हम बाय जा सकते हैं यहाँ से. तो इसका ऊपर में कनेक्ट कर देता हूँ. हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस बना के रखा, इसका ऊपर से हम बाय स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो अगर हम डेली में देखें तो डेली में हमें एक रेजिस्टेंस मिला यहाँ पे. अभी कौन सा 200 मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस लाइन बना के रखा हुआ है. तो यहाँ से जब तक ये 200 मूविंग एवरेज क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम यहाँ पे बाय और नहीं जा सकता क्योंकि बाय हम यहाँ से यहाँ पे ले लिया. तो आप देख सकते हैं यहाँ से हम बाय ले लिया क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्टिंग रेंज मिला हमें. तो फिर मार्केट 200 के आसपास जो प्रीवियसली एक सपोर्ट लेवल बना के रखा हुआ है तो एक यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस बना के रखा. तो यहाँ से भी मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है लेकिन अभी भी कंफर्म नहीं, तो बाद में फिर से मार्केट ऊपर जा सकता है. तो इसलिए यहाँ ये रीजन में हमें अभी ट्रेड करना है. ठीक है, तो अगर हम 4 आवर में देखें 4 आवर में टोटली डाउन ट्रेंड है. और यहाँ पे डेली में एक बात देख सकता है ये 50 मूविंग एवरेज यहाँ पे क्रॉसओवर क्या हुआ है, राइट. 50 मूविंग एवरेज जब 150 को क्रॉसओवर होता है तो यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू होता है, राइट. फिर भी डाउन ट्रेंड हुआ, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट दिया तो फिर भी मार्केट आ सकता है. ठीक है, तो इसलिए ये जोन में हमें देखना पड़ेगा अभी मार्केट इसको ब्रेकआउट होता है या नहीं होता, नहीं तो फिर से मार्केट नीचे आ सकता है. तो अगर हम 4 आवर देखें 4 आवर में एक रेंज में ही है. ठीक है, तो अगर हम 15 मिनट में देखें तो 15 मिनट में ये अप ट्रेंड में लिया हुआ है. तो ये जो एक रेंज मिला था हमें रेंज का पूरा अपर में, तो इससे नीचे आने का चांसेस हो रहा है. तो मुझे लगता है अभी देखना है. पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना के जा रहा था. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा 20 मूविंग एवरेज को सपोर्ट किया था लेकिन आज मार्केट जहाँ ओपन हुआ सडनली नीचे आ गया, आके अभी 50 मूविंग एवरेज के आसपास है. तो अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया मुझे लगता है ये 100 मूविंग एवरेज के आसपास मार्केट आ सकता है, राइट. तो अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखें तो 5 मिनट में आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली मार्केट आ रहा है नीचे. और छोटा देखेंगे तो आप देख सकते हैं मार्केट अप ट्रेंड में ही है लेकिन अभी रिट्रेसमेंट दे रहा है. तो रिट्रेसमेंट कहाँ तक देना है तो आप कंफर्म नहीं कर सकता कहाँ तक आ सकता है. लेकिन अगर ये 200 को ब्रेकआउट कर दिया मुझे लगता है नीचे फिर जो हमें एक डेली में जो एक जोन मिला था ऐसा राइट मार्केट नीचे आया था, फिर से ऊपर गया, फिर से ये अब ये जोन में है, तो यहाँ से फिर इधर आ सकता है अगर 2820 लेवल को ब्रेकआउट किया तो। ठीक है, सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।